सो हे गाइज, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल सत्या ट्रेडर। गाइज, काफ़ी टाइम के बाद यूट्यूब पे कोई वीडियो आई है। आप सभी को पता है मेरी सर्जरी हुई थी, मैंने आपको अनाउंस कर दिया था ऑलरेडी टेलीग्राम पे। ओके, जो लोग टेलीग्राम पे ज्वाइन नहीं है सबसे पहले जाकर टेलीग्राम को ज्वाइन कर लो, क्योंकि मैंने यहाँ पे गिव अवे का अनाउंस किया था कल रात को। मैंने बताया था कि मैं एक मोबाइल का गिव अवे करने वाला हूँ, ठीक है। तो सबसे पहले मैं आपको जाकर दिखाया था एक्चुअल में टेलीग्राम पे हमने क्या क्या बोला था आप सभी से, ठीक है। मैं यहाँ पे अपना टेलीग्राम ओपन कर लेता हूँ फर्स्टली, और यहाँ पे देख सकते हैं मैंने कल शाम को 3 जनवरी को मैंने एक गिवे के लिए बोला था कि भैया मैं गिवे करने वाला हूँ मोबाइल का, ठीक है, रियलमी 10 5G का, यानी रियलमी 10 Pro Plus 5G का, ठीक है। ये आप में से किसी एक यूज़र को मिलने वाला है। कैसे मिलेगा आपको इस वीडियो में आगे बताने वाला हूँ, लेकिन सबसे पहले आपको टेलीग्राम को ज्वाइन करना है, क्योंकि जो गिवे की इन्फॉर्मेशन होती है, सिग्नल की इन्फॉर्मेशन होती है, वो सारी की सारी आपको टेलीग्राम पे ही मिलती है, ठीक है। और यहाँ पे आप देख सकते हैं उसके बाद जो रिएक्शंस वगैरह लोगों के क्या थे, ठीक है। अब मैं आपको बताने वाला हूँ यहाँ पे आपको मिलेगा कैसे, ठीक है। आपको करना क्या है, सबसे पहले जाना आपको टेलीग्राम को ज्वाइन करना है, इस वीडियो को लाइक करना एंड कमेंट एंड शेयर, ठीक है। और आपको सबसे पहले चीज़ करनी है, वो करनी है आपको अपना अकाउंट जो है क्यूटेक्स का, इस वीडियो में जो लिंक दिया है उसको आपको क्रिएट करना है, ठीक है। यानी क्यूटेक्स अकाउंट मेरे लिंक से आपको क्रिएट करना है और बनाना है, ठीक है। और उसमें आपको मिनिमम अमाउंट जो डिपॉजिट करना है वो करना है आपको $100। जो लोग गिवअवे में पार्टिसिपेट करना चाहते हैं उनके लिए ये चीज़ है, ठीक है। अब जो लोग गेम में पार्टिसिपेट नहीं करना चाहते उनको सिंपल सा फंडा है, आपको वीआईपी में ज्वाइन होना है तो आपको मिनिमम जो है $50 आपको डिपॉजिट करना है, वीआईपी में ज्वाइन हो जाएंगे, ठीक है। गेम के लिए बस आपको ऐड करना है $100, ओके। और आज मैं जो वीडियो बना रहा हूँ 4 फरवरी को जो है मैं गेम का बिना जो है अनाउंस करूंगा, आप सभी में से किसी एक को दूंगा, बकायदा उसको ब्लॉग वगैरह बनाऊंगा मैं, ठीक है। सो आप में से किसी एक को पर्सन को मिलने वाला है, ओके। और निफ्टी का जो मैंने चैनल बनाया हुआ है, आप सभी को स्टॉक मार्केट में एंटर हुआ हूँ फिलहाल में, ओके, उसका भी लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, जाओ फटाफट उसको सब्सक्राइब कर लो, ठीक है, ज्वाइन करो उसको भी, वहाँ पे भी आप जो है मुनाफा बना सकते हैं, ओके। और यहाँ पे इसको टर्म्स एंड कंडीशन थी, मैंने सारा का सारा आपको डिटेल में बता दिया है। अकाउंट आपको लिंक से क्रिएट करना है, सिंपल सा टर्म्स एंड कंडीशन मेन चीज़ जो है वो यही है, ठीक है। और चैनल सब्सक्राइब करना है, इस वीडियो को टारगेट हिट करना है, ठीक है, 200 लाइक्स का, ओके, ये आपको टारगेट हिट करना है। बस चैनल को जहाँ से जहाँ हो सके जहाँ जहाँ आपको शेयर करना है, ठीक है, ये आपको चीज़ें करनी है। और जो लोग जहाँ टर्नओवर करेंगे अपने अकाउंट पे, यानी ट्रेडिंग जो होगी टर्नओवर, डिपॉजिट से कोई मैटर नहीं है, विड्रॉ से कोई मैटर नहीं है, आप जो टर्नओवर जितना करेंगे, जितना आप ट्रेड करेंगे, वो आपको विनर बनाएगा, ठीक है। और 4 तारीख को इसका विनर मैं अनाउंस करने वाला हूँ, यानी 4 फरवरी को, ठीक है। अब मैं जो है स्टार्ट करता हूँ कुछ ट्रेडिंग वगैरह, काफ़ी टाइम से हमने आपके सामने लाइव ट्रेडिंग लाइव वीडियो में कभी ट्रेड नहीं करी है, ठीक है। सो यहाँ पर मैं आता हूँ फिलहाल अपने लैपटॉप की स्क्रीन पर, ओके। सो आप फाइनली देख सकते हैं मैं लैपटॉप की स्क्रीन पे आ चुका हूँ, यहाँ पे अपना सफारी ब्राउजर ओपन करूंगा, देन यहाँ पे क्यूटेक्स पार्टनर को ओपन करूंगा, ओके, लॉगिन वाले सिंबल पे यहाँ पे जाऊंगा, मैं डिटेल अपनी हाइड करने वाला हूँ बिकॉज आपको शो ना हो, ठीक है। सो यहाँ पे देख सकते हैं $44,090 का मैं लाइव अकाउंट में बैलेंस है, ओके, देन यहाँ पे इसको मैं जूम इन कर लेता हूँ, ओके। कल मैंने वीआईपी में सेशन कराया था, आप सभी को बताया वहाँ पे कुछ चीज़ें हमें लॉस देखने को मिली थी, कुछ ट्रेड वगैरह लॉस हमें देखने को मिली थी, ठीक है, क्योंकि वहाँ पे मार्केट ज़्यादा इतना वोलेटाइल था कि गाइस हम प्रेडिक्ट नहीं कर पा रहे थे, हमारी कोई भी फंडामेंटल एनालिसिस टेक्निकल एनालिसिस कुछ काम नहीं कर रहे थे, ठीक है। और वैसे ही गाइस आप यहाँ पे भी देख सकते हैं 1 मिनट के चार्ट में हम जो है प्रेडिक्ट नहीं कर पाएंगे। आप यहाँ पे देखें प्रीवियस में भी चार्ट आप यहाँ पे देख सकते हैं, एनालिसिस कर सकते हैं, कोई भी चीज़ हमें ऐसा नहीं देखने को मिल रहा है कि अगर यहाँ पे मैं अपवर्ड जाता हूँ मार्केट दिखाता हूँ, यहाँ पे हम अपवर्ड के लिए ट्रेड प्रेस करते लॉस हो जाती है। बकायदा यहाँ पे आप रेजिस्टेंस को देखें तो रेजिस्टेंस हमें गाइड कर रहा था भैया मार्केट डाउन गिरेगा, जो कि गिरा भी, यहाँ से कंटिन्यू मार्केट यहाँ तक डाउन आया, फिर इसने अपवर्ड बनाया, फिर मार्केट डाउन आया, ओके, तो ऐसे रिएक्ट मार्केट कर रहा है। अब इसने यहाँ पे लेवल को टच किया है, तो यहाँ पे अगर मैं ट्रेड प्रेस करता हूँ मान लो 3 मिनट की डाउन डायरेक्शन में, तो मुझे 90% चांसेस है कि मुझे प्रॉफिट हो जाएगी। बट उससे पहले आपको एक चीज़ बता दूँ, अगर आपको न्यूज़ वगैरह का एनालिसिस करना है तो एक तो आप जो है ट्रेडिंग व्यू को देख सकते हैं, ट्रेडिंग व्यू के चार्ट वगैरह को रीड यहाँ पे कर सकते हैं, मैं ट्रेडिंग व्यू को ज़्यादातर यूज़ करता हूँ, ठीक है। फॉरेक्स वाला यहाँ पे ओपन करूँगा, यूरोयूएसडी मैंने यहाँ पे ऐड करके रखी हुई है, ठीक है, ये रही हमारी यूरोयूएसडी, ठीक है। यहाँ पे मैंने ऑलरेडी यहाँ पे देख सकते हैं मैंने कुछ हॉरिजॉन्टल लाइंस को ड्रॉ किया हुआ है। ज़्यादातर अगर मैं पर्सनल ट्रेड वगैरह करता हूँ यहाँ पे, तो मैं जहाँ तक इसको यूज़ करता हूँ, ठीक है, आप भी इसको यूज़ कर सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ठीक है। यहाँ पे जो मैंने अभी फिलहाल ट्रेड प्रेस करी है, फिलहाल तो लॉसेस में है, बट यहाँ पे न्यूज़ वगैरह देखने के लिए हम ऐड कर लेंगे investing.com के प्लेटफॉर्म को, ठीक है। सो मैं यहाँ पे investing.com ओपन कर लेता हूँ, मैंने दोनों का प्रीमियम वर्जन लिया हुआ है, अगर आप लेना चाहें तो ले सकते हैं, बकायदा जरूरत नहीं पड़ती वैसे ऐसे, ठीक है। इकोनॉमिक कैलेंडर पर जाएंगे और यहाँ पे आप देख सकते हैं आपको न्यूज़ वगैरह यहाँ पे देखने को मिल जाती है। और अगर आपको ज़्यादा एनालिसिस करना है, जैसे आपको पता है कि भैया इस फ्राइडे जो है NFP की न्यूज़ है, अगर आप ट्रेड करना चाहते हो तो कर सकते हैं, ठीक है।
बहुत जल्दी आपको प्रॉफिट देखने को मिल जाएगा। काफ़ी सारी चीज़ें हैं जो आप यहाँ पे मिस करें, टेलीग्राम पे जाके ज्वाइन कर सकते हैं, ठीक है। अगर यहाँ पे आप जाएँ CPI वगैरह का इम्पैक्ट यहाँ से चेक कर सकते हैं, भाई मार्केट कहाँ पे जाने वाला है CPI का, और ट्रेड जो है हम कहाँ पे प्रेस कर सकते हैं, ठीक है। सारा का सारा आपको इन्फॉर्मेशन वहीं पे मिल जाती है, ओके। तो CPI वगैरह की इन्फॉर्मेशन, सारी सारी नॉलेज आपको वहाँ पे मिल जाएगी, इजिली आप जो है ज्वाइन कर सकते हैं, ठीक है। फिलहाल मैं अभी जो है किस टाइम पर ट्रेड प्रेस कर रहा हूँ, यहाँ पे ऊपर जाके देखूँ तो यहाँ पे देख लीजिए 2:51 पे मैं ये वीडियो बना रहा हूँ, ठीक है। सो अभी GBP पे ज़्यादा बड़ी न्यूज़ तो नहीं है खैर, लेकिन हाँ 10 मिनट के अंडर में GBP USD पे ये एक एक स्टार की काफ़ी सारी न्यूज़ हैं जो इम्पैक्ट दिखा सकते हैं, ज़्यादा इम्पैक्ट नहीं कह सकते, लेकिन हाँ नॉर्मली इम्पैक्ट दिखा सकती हैं, ठीक है। आप यहाँ पे इसको भी कंसिडर कर सकते हैं, अगर आप बारी बारी करके न्यूज़ वगैरह को एनालिसिस करेंगे तो आपको यहाँ पे कुछ ना कुछ देखने को ज़रूर मिलेगा, ठीक है, कि मार्केट एक्चुअल में कहाँ रिएक्ट कर सकता है, ठीक है, किस सपोर्ट पे कहाँ जा सकता है, ओके। तो ये न्यूज़ वगैरह इसकी होती हैं, ठीक है। अगर मान लो 3 स्टार की न्यूज़ है तो वो ज़्यादा इम्पैक्ट दिखाएगी, 2 स्टार की उतना इम्पैक्ट नहीं दिखाएगी, लेकिन अगर कंटिन्यू यहाँ पे आप देखें, यहाँ पे 3 स्टार की न्यूज़ है USD के मार्केट पे, ठीक है, ये इम्पैक्ट दिखाएगी। अब आपको साफ साफ भाषा में समझा दूँ कि अगर किसी किसी भी चार्ट पे 3 स्टार की न्यूज़ है तो आपको क्या करना है उस टाइम पे, जिस हिसाब से मार्केट चल रहा है, 2-3 कैंडल बनी हुई है न्यूज़ के टाइम पे, तो आपको 5 मिनट की ट्रेड उसी डायरेक्शन में लगा देनी है, ठीक है। आपको ज़्यादा एनालिसिस नहीं करना है, कोई भी आपको देखना चाहिए नहीं है, बस आपको ये चीज़ देखनी है कि 3 स्टार की न्यूज़ है या फिर नहीं है, ठीक है, बस आपको ये चीज़ करनी है और आप फॉलो करके इजिली ट्रेड प्रेस कर सकते हैं, ओके। और यहाँ पे वापस से जाऊँगा मैं चार्ट पे, तो यहाँ पे देख लीजिए हमारी बहुत ही मार्जिन से ये ट्रेड अभी फिलहाल लॉस में जा रही है, ठीक है। यहाँ पे हमने अभी कोई चीज़ें यूज़ नहीं करी थी, कोई भी मैंने जो है क्या कह सकते हैं इंडिकेटर वगैरह यूज़ नहीं किए थे, ठीक है। तो यहाँ पे मैं जाऊँगा इंडिकेटर वगैरह, मैं एक तो लूँगा यहाँ पे हॉरिजॉन्टल लाइन को, क्योंकि हॉरिजॉन्टल लाइन से हमें सपोर्ट पता चल जाता है, रेजिस्टेंस पता चल जाता है, ठीक है। यहाँ पे हमने रजिस्टर कर लिया इस लाइन को, और यहाँ पे जाएंगे एक हॉरिजॉन्टल लाइन को और ऐड करेंगे। अभी मेरे को थोड़ा सा बोलने में थोड़ा सा दिक्कत हो रही है, क्योंकि आप समझ सकते हैं माउथ सर्जरी थी, जिस कारण से मैं ठीक से बोल भी नहीं पा रहा हूँ, ठीक है। तो आपको थोड़ा सा यहाँ पर दिक्कतें देखने को मिल सकती हैं, ठीक है, ओके। मैंने यहाँ पे इसको भी रजिस्टर कर दिया है, ऐड कर दिया है, और हॉरिजॉन्टल लाइन में यहाँ पे लूंगा, ओके, यहाँ पे रही एक हॉरिजॉन्टल लाइन ऐड करूंगा मैं इस वाले पॉइंट पे। हॉरिजॉन्टल लाइन से होता है कि आप कई सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस को इजीली समझ सकते हैं, ठीक है। बस जहाँ जहाँ मार्केट चल रहा है फिलहाल आपको वहीं वहीं रेजिस्टेंस वगैरह सपोर्ट वगैरह लगा लेना है, ज़्यादा कहीं और आपको ऐड करने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। और यहाँ पे अब हम ऐड करेंगे भैया पिच फैन को, पिच फैन को हमें ऐड करना है, तो हमें यहाँ पे क्या करना पड़ेगा, सबसे लो मार्केट पे, यानी जहाँ पे लो पॉइंट बनाया मार्केट ने वहाँ हमें जाना पड़ेगा, ठीक है। लो मोमेंट हमारा यहीं पे था, तो पिच फैन को हम यहाँ पे यूज़ करते हैं, ओके। ओके, इसका कलर मैं चेंज करूँगा बिकॉज ठीक से हमें दिखना चाहिए। चलिए मैंने ये कर लिया, ठीक है, ओके, ठीक से कम दिखेगा हमें। हम यहाँ पे इसको जहाँ हम अपने लेवल पर रखना चाहेंगे वहाँ पे अपने लेवल पे इसको कंसिडर कर देंगे, ठीक है। तो यहाँ पे ले जाएंगे इसको, वापस से यहाँ आएंगे लाइव मार्केट पे, यहाँ पे थोड़ा सा और बैक करेंगे बिकॉज छोटे स्क्रीन पे हमें थोड़ा सा दिक्कतें देखने को मिल सकती हैं, ठीक है। PC पे वीडियो नहीं शूट हो रही है ये, आप समझ सकते हैं, ओके। ये था हमारा यहाँ पे, वो क्लिक करेंगे इस पर, वापस इसको यहाँ पे लाएंगे हम, ठीक है, जहाँ पे हमारा एक्चुअल मार्केट मूव कर रहा था, यहाँ पे इस पोजीशन पे लेके आएंगे, ओके। हमारे तीनों पॉइंट यहाँ पे क्लियर हो गए हैं, ठीक है, हमारे यहाँ पे पॉइंट बाई पॉइंट यहाँ पे टचअप हो रहे हैं, आप देख लीजिए। अगर मार्केट ने यहाँ पे टच किया है, ठीक है, इसको मैं बंद कर दूँ, यहाँ से हटा दिया, ठीक है। अब यहाँ पे देख लीजिए ऊपर की साइड में आपको एक हॉरिजॉन्टल लाइन दिख रही है, यहाँ पे भी हॉरिजॉन्टल लाइन है और यहाँ पे भी हॉरिजॉन्टल लाइन है, ठीक है। तीनों का सपोर्ट मैंने इस तरह से बिठाया हुआ है कि जहाँ पे लाइन एंड वगैरह टच कर रही है वहाँ से ऑफकोर्स गाइस मार्केट डाउन गिरा है और या फिर अपवर्ड गया है, ठीक है। जैसे यहाँ पे देख लीजिए इसको टच किया था, इसने क्रॉस किया था थोड़ा बहुत, यहाँ से मार्केट डाउन आया था, ठीक। इस वाले रेजिस्टेंस को मैंने फिर से अगेन टच किया, यहाँ से टच करते मार्केट अगेन डाउन मूव किया, ठीक। और यहाँ से आप देखें नीचे की साइड तो सेम भी वही कंडीशन है, इसने इस वाले सपोर्ट को टच किया, टच करने के बाद मार्केट कंटिन्यू अपवर्ड गया। यहाँ पे ट्रिपल टॉप डबल टॉप पैटर्न यहाँ पे हमें ज़्यादा देखने को मिले, ये रहा एक टॉप, दो टॉप, तीन टॉप, ठीक है, ट्रिपल टॉप देखने को मिला, टॉप हिट करते ही मार्केट डाउन आया, ठीक है। तो ऐसे मार्केट अभी फिलहाल कंसिडर कर रहा है, तो हमें यहाँ पे कुछ मूवमेंट हमें यहाँ पे दिखेंगे। जैसे मान लो अभी हमें मार्केट ऊपर की तरफ इंडिकेट कर रहा है, कोई जिस हिसाब से हमें कैंडल अभी बनते हुए देखने को मिल रही है, यहाँ पे देख लीजिए आप, ठीक है, कुछ कैंडल्स यहाँ पे बन रही हैं, दो कैंडल हमें देखने को मिली है यहाँ पे, ठीक है, ये कैंडल और एक ये वाली कैंडल, ठीक है। सो यहाँ पे हमें मूवमेंट दिख रहा है भैया डाउन के लिए, यानी मोमेंटम डाउन दिखा रहा है, लेकिन यहाँ पे जो कैंडल बनी हुई है दो, इसके हिसाब से मार्केट अपवर्ड जाएगा। तो हम क्या करेंगे गाइस, हमने जो पहले ट्रेड प्रेस करी थी वो हमारी लॉस गई थी, तो हम क्या करेंगे यहाँ पे $550 की ट्रेड डालेंगे भैया अपवर्ड डायरेक्शन में, ठीक है। एक रिस्क है हमारा ये, क्योंकि गाइस देखो मोमेंटम यहाँ से डाउन गिर रहा है, डाउन जाना चाहिए मार्केट, ठीक है।
चलिए हम क्या करते हैं यहाँ पे, एक अपवर्टली ट्रेड प्रेस करते हैं, दो ट्रेंड निकाल दिए यहाँ पे अपनी 550 डॉट की अपवर्ड डायरेक्शन में। ओके, देखेंगे इसका मोमेंटम एक्चुअल में हमने जो रिस्क लिया भैया वो कहाँ तक वर्क करता है, क्योंकि यहाँ पे जो ऊपर सपोर्ट रेजिस्टेंस था उसको टच करके मार्केट एक्चुअल में डाउन गिरा था, फिर यहाँ से जो एक लाइन थी हमारी पिच फैन की उसको क्रॉस किया, उसके क्रॉस करने के बाद मार्केट डाउन आया। मोमेंटम डाउन का है, स्टडी हमने देखा भैया डाउन जाएगा मार्केट, लेकिन हमने जो कैंडल यहाँ पे जो रीड करी है दो ये वाली, इसके हिसाब से मार्केट अपवर्ड थोड़ा जाना चाहिए। ठीक है, देखते हैं क्या होता है। ओके, बाकी का अगर हम यूरो यूएसडी को और एनालिसिस करें, ट्रेडिंग व्यू पे जाएं, ठीक है यहाँ पे, सो यहाँ पे हम कुछ इंडिकेटर वगैरह ऐड करके देखें। ओके, 5 मिनट में एक बार मैं चेक करता हूँ मार्केट कहाँ चल रहा है, 3 मिनट देखते हैं पहले। 3 मिनट में भैया मार्केट की कैंडल डाउन गिरनी चाहिए। ओके, देखते हैं, कोई इंतजार नहीं, 5 मिनट का देखते हैं एक बार। मल्टीपल चार्ट देखने में आपको पता चल जाए भैया मार्केट जाने कहाँ वाला है। 5 मिनट के चार्ट में देखने को मिल रहा है एक हॉरिजॉन्टल लाइन के इर्द गिर्द मार्केट घूम रहा है, 1, 2, 3 टॉप हिट कर रहा है बार बार, ठीक है, लेकिन फाइनली कैंडल तो भाई हमारी डाउन की ही बनी थी। ओके, बट इंतज़ार करते हैं यहाँ पे अगली 5 मिनट वाली कैंडल कहाँ बन सकती है। ओके, एक कैंडल है बहुत ही बड़ी अपॉर्ड के लिए देखने को मिली है, जैसे मैंने आपको बताया था, एक तो मार्केट का ही उल्टा चल रहा है आप सभी जानते हैं यहाँ पे, ठीक है, मार्केट उल्टा है और उसी चीज़ को देख के मैंने यहाँ पे ट्रेड डाली थी गाइस अपवर्ड डायरेक्शन में। ओके, फिलहाल अच्छी खासी मार्जिन से प्रॉफिट चल रही है हमारी। ओके, 3 मिनट 48 सेकंड बचे हुए, इंतजार करते हैं क्या होता है गाइस। ओके, फिर से हम अपने ट्रेडिंग व्यू पे जाएंगे, भैया कैंडल तो अच्छी खासी अपवर्ड जा रही है, बट देखते हैं क्या होता है यहाँ पे। इंडिकेटर में हमें कौन कौन से इंडिकेटर मिलते हैं आपको यहाँ पे दिखा दूंगा भैया, टेक्निकल्स एंड फाइनेंशियल्स, बहुत सारे फायदे हैं गाइस यहाँ पे, ठीक है, ट्रेडिंग व्यू के। आप यहाँ पे टेक्निकल में जाएंगे तो आपको स्ट्रैटेजीज भी मिल जाएंगी, आपको जो स्ट्रैटेजी अप्लाई करनी है, जैसे बार अप डाउन स्ट्रैटेजी, ठीक है, कैल्टो चैनल स्ट्रैटेजी, ये स्ट्रैटेजी आपको बारी बारी में दिखाऊंगा, आपको प्रीमियम लेने की जरूरत नहीं है, ठीक है, मैं आपको खुद बता दूंगा कि कैसे कैसे क्या ये काम करती हैं। ओके, ग्रेडी स्ट्रैटेजी में क्या है यहाँ पे लग जाएगा, ठीक है, लग गई अप्लाई हो रही है, ये देख लीजिए मैक्सिमम डाउन यहाँ पे गया है, मैक्सिमम एवरेज ट्रेड यहाँ पे रही है हमारी, ठीक है, एवरी ट्रेड हमारे यहाँ पे प्रेस करी, इसके बारे में प्रॉपरली वीडियो बनाऊंगा मैं सभी को कैसे कैसे ये काम करती है, ठीक है, इसके बेस पे अगर मैं ट्रेड वगैरह आपको एग्जीक्यूट करूँगा या प्रॉफिट कराऊँ तो आपको इजीली गाइस यहाँ पे प्रॉफिट देखने को मिलेगा, ठीक है, क्योंकि मार्केट पर्टिकुलर टाइम पे डाउन ही गिरा है, मैक्सिमम डाउन मैक्सिमम अप यहाँ पे मैं वही देखने को मिला। नेक्स्ट प्रॉफिट में देखें तो नेट प्रॉफिट में यूएसडी 0.1 डॉलर से माइनस चल रहा है, ठीक है, डाउन ट्रेंड हमें दिख रहा है, डाउन ट्रेंड को हटा दें नहीं दिखेगा, इक्विटी हटा दें इक्विटी में नहीं दिखेगा, इसके सारे सारे ये फायदे रहते हैं, ठीक है। अगर हम यहाँ पे स्ट्रैटेजी को हटा दें, मान लो इंडिकेटर पे आएँ और जो स्ट्रैटेजी भी लगी हुई है, कौन सी लगी हमारी, इसको हम रिमूव कर दें फाइनल, ठीक है, डिलीट वाले इस पे जाएंगे, रिमूव वन इंडिकेटर हमने डिलीट कर दिया है, स्ट्रैटेजी पे जाएंगे, ग्रेडी एमसीडी स्ट्रैटेजी, चलिए एमसीडी हमें क्या इंडिकेट करता है हम देखते हैं यहाँ पे, ठीक है, एमसीडी स्ट्रैटेजी यहाँ पे इस पॉइंट पे एमसीडी 2 पॉइंट से डाउन गया है, यहाँ पे देख लीजिए सारे के सारे आपको एक एरो अलग से देखने को मिल जाते हैं, देख लीजिए यहाँ पे जो मिला था आपको, इसका ये फायदा रहता है, एमएसडी में इंडिकेट किया भैया दिखा दिया डाउन पे, ठीक है, ऐसे कुछ फायदे रहते हैं। इस चीज़ को अभी मैं कंसीडर आपको नहीं दिखाऊंगा, प्रॉपरली आपको इंडिकेट करूँगा भैया, ट्रेडिंग कराऊंगा बाकायदा, तब आपको यहाँ पे पता चलेगा, ठीक है, इसको अभी फिलहाल डिलीट करते हैं। ओके, ये चीज़ अभी आपको मैं शो नहीं कराऊंगा, ठीक है, इसको मैंने फुल स्क्रीन पे कर लिया है, बैक करूंगा इसको, यार मैंने फुल पे कर दिया, कोई दिक्कत नहीं। सो आप देख सकते हैं मैंने जो ट्रेड प्रेस करी थी, देख लीजिए 5 मिनट की ट्रेड डाली थी, उसमें अभी भी लगभग हमारे पास 1 मिनट 19 सेकंड बचे हुए हैं, कितने मार्जिन से हमें प्रॉफिट देखने को मिल रही है। मैंने आपको बताया था कि जहाँ पे आपकी स्ट्रैटेजी काम नहीं कर रही है वहाँ पे आप जो है अपने कैंडल स्टिक्स को देख के ट्रेड कर सकते हैं। मैंने यहाँ पे देखा, मैंने बताया था कि हमारी स्ट्रैटेजी दिखाई है या डाउन जाएगा, ठीक है, लेकिन जो दो कैंडल्स हैं यहाँ पे ये हमें दिखा रहे हैं, कैंडल देख के हमने लगाई थी ट्रेड, बता रहे हैं भैया मार्केट अप जाएगा, ठीक है, तो हमने यहाँ पे अपवर्ड से ट्रेड प्रेस करी थी, देख लीजिए चारों की चारों कैंडल इतनी बड़ी बड़ी बनी है कि आप यहाँ पे कोई भी डिफरेंस नहीं है भैया, मार्केट यहाँ पे 100% हमारी ट्रेड ये प्रॉफिट गई है, ठीक है, 100% प्रॉफिट थी हमारी ट्रेड, ठीक है। सो हम इस तरीके से कुछ प्रॉफिट कराते रहते हैं अपने टेलीग्राम पे भी, तो टेलीग्राम को ज्वाइन कर लीजिए, लिंक डिस्क्रिप्शन में है। फिलहाल तो अभी मेरे ठीक से बोलते नहीं बन रहा है, इस कारण से आपको ज़्यादातर चीज़ें कंसिडर नहीं कर सकता यहाँ पे, ठीक है। बाकी मैंने कोशिश की थी भैया कि आपको बता सकूं गिव अवे के बारे में, जो मैंने बता दिया आपको, ठीक है, और ये हमारी लास्ट डेट थी, वीडियो हमारा यहीं पे एंड हो जाएगा, बट यहाँ पे थोड़ा सा प्रॉफिट हो जाइए। ओके, 20 सेकंड्स बचे हुए हैं, फाइनली हम इंतज़ार करते हैं यहाँ पे। ओके, और 15 सेकंड्स, और ये हमारी ट्रेड बहुत ही अच्छी मान से कहीं प्रॉफिट हो जाएगी। ओके, 10 सेकंड्स बचे हुए हैं। ओके, 5 सेकंड्स गाइस, और ये ट्रेड हमारी प्रॉफिट। ओके,
प्रॉफिट रही, हमने अच्छा खासा प्रॉफिट यहाँ पे जनरेट किया भैया, $1,000+ का ये लॉस हुआ था, हमने कवर अप कर लिया है। उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आई होगी जो मैंने आपको बताया हुआ है यहाँ पे सारी चीज़ें की गिवे में आपको पार्टिसिपेट कैसे करना है, आप कर लीजिएगा। ठीक है, मैं मिलता हूँ आपको नेक्स्ट वीडियो में, तब तक गुड बाय एंड टेक केयर।